देवास शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अवैध कारोबार करने वाले पत्रकार पर कवरेज के दौरान हमला कर रहे हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जेल से छूटने के बाद जेल प्रहरी पर हमला कर रहे हैं। पहले भी जेल में सुरक्षा कर्मियों पर हमले हुए हैं। शहर में गोली चलना तो आम बात हो गई है। दिन दहाड़े लोगों के गले से चेन झपटी जा रही है। पुलिस लाख दावे कर ले लेकिन अपराधों पर अंकुश लगाने में असफल नजर आ रही है। पुलिस का भय बदमाशों में बिल्कुल नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर अवैध धंधों को अंजाम दे रहे हैं। जब जनता की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो फिर शहर की जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे। और तो और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 मई को शाम करीब 5:30 बजे राजुदा रोड स्थित जेल में पदस्थ जेल प्रहरी आरक्षक 393 सोमदत्त पिता श्री राम सुंदर शर्मा उम्र 44 वर्ष निवासी जेल परिसर पर जेल चौराहा पर जब कुछ सामान लेकर वापस जेल लौट रहा था तभी जेल से छूटे नवीन पिता मोहन तवर निवासी राधागंज ने उस पर हमला कर मारपीट की। साथ ही चाकू दिखाकर धमकी दी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो जान से खत्म कर दूंगा। लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। जेल अधीक्षक को खुद कलेक्टर और SP से निवेदन करना पड़ रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कार्यवाही करें। 3 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते जेल के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर ASP मंजीत सिंह चावला और कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला को आवेदन दिया है। उधर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जेल प्रहरी पर हुए हमले को लेकर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की बात कहते हुए जिला बदर की कार्यवाही के साथ अन्य कार्यवाही की बात कही है। मैं 12 से 4 ड्यूटी खत्म करके कमरे पे चला गया। उसके बाद मैं 5:30 बजे वहाँ से निकला तो मैं जेल परिसर अपने जेल के गेट से बाहर गया दुकानों पे। तो वहाँ से मैंने फल फ्रूट लिए और ले करके मैं वापस आ रहा था। वापस आते समय यहाँ कमल दरबार की दुकान के पीछे एक बबूल का पेड़ है, वहाँ पे पीछे से मेरे अटैक हुआ। थप्पड़ लात घूंसे मारे, गाली गलौज किया, मैं गिर गया। गिरने के बाद मैं जैसे ही संभला तो मैंने उसके ऊपर अटैक मतलब पकड़ने की कोशिश की तो उसने चाकू निकाला और मुझे गाली गलौज करते हुए बोला, तेरी माँ चोट देंगे, तेरे को फाड़ दूंगा साले, जान से मार दूंगा, ऐसा कह करके और वो निकल गया और जा करके आगे एक मोटरसाइकिल थी उस पर बैठ के भाग गया। अटैक करने वाला कौन था जिसमें आपके ऊपर अटैक किया? वो नवीन पिता मोहन तवर था, मैंने पहचान लिया था उसको। जेल में बंद था पहले ही? जी हाँ। और इससे पहले हमारे जवान 2 जवानों के ऊपर और अटैक हुआ था, बियर की बोतल मारी गई थी। तो हमारा परिवार जो जेल परिवार है वो असुरक्षित है। हम सभी लोग सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हम बिल्कुल असुरक्षित हैं। आज हमारे जवान और पुलिस के ऊपर बुरी तरह मतलब प्रहार हो रहे हैं। तो आज कुल मिलाकर देखा जाए तो कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है देवास की, अगर कहा जाए सीधे मायने में, तो मतलब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? क्या मानते हैं आप इस बात को? हाँ जी, इसकी FIR करी है? FIR कराई है हमने थाने में, नार दरवाजे थाने में FIR कराई है। क्या धारा लगाई है उस पर? 506, 294 और 341 की धारा है। अच्छा, कितने दिन पुरानी घटना है ये? 4 मई की शाम 5:30 बजे। 2 दिन हो गए मतलब? जी हाँ जी। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं। आपका नाम बताएं? मेरा नाम प्रहरी सोमदत्त शर्मा, जिला जेल देवास। कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? कुछ कहना चाहेंगे जो बड़े अधिकारी हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, अधिकारियों से गुजारिश है कि इसके ऊपर गौर की जाए और हमारे लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। हमारे जिला जेल के प्रहरी आए थे, उनकी शिकायत थी कि 4 तारीख को एक मोहन तवर के विरुद्ध में उन्हें FIR कराई थी, उसने जेल के किसी प्रहरी के साथ मारपीट की थी। इस तरह की कोई भी घटनाएं होती हैं तो उसको तत्काल संज्ञान में लिया जाकर और ऐसे जो तत्व हैं उनको विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर आवश्यक लगा तो और कड़े एक्शन, चाहे जिला बदर करने का हो या कि उनके आर्थिक क्षति पहुंचाने का, वो सभी कार्रवाइयाँ आज सुनिश्चित की जाएंगी। सर, जिस पे आरोप लग रहा है उसका अवैध कब्जा जेल के बाहर, ये आज प्रहरियों ने संज्ञान में लाया, इसीलिए मैंने कहा कि अगर उसका अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसका जो भी वहाँ पे व्यापार होगा या घर होगा उसको हटाया जाएगा। सर, अभी सारे के सारे जो जेल के प्रहरी मिलने के लिए आए थे तो उन पे हमले हो रहे हैं, कोई पहला हमला नहीं है, इनके पहला भी 2 से 3 बार वहाँ पे हमले हो चुके, तो सर खाकी सुरक्षित नहीं है देवास के अंदर? नहीं, ये विषय नहीं, ये जो जिसकी शिकायत कर रहे हैं ये पहले से पुराना कैदी रहा है, 1-2 बार पूर्व में जेल जा चुका है, चूँकि जेल के बाहर उसका वो है इसीलिए शिकायत करने आए थे कि उसने किसी एक प्रहरी के ऊपर मारपीट की थी
उसकी FIR हो चुकी है और उसको तत्काल उसकी गिरफ्तारी करके उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। आपने बिल्कुल सही सुना है, अभी 4 तारीख की घटना है ये। हमारे एक प्रहरी सोमदास शर्मा जो कि ड्यूटी के बाद बाहर को संभाल लेने गए थे, जेल के बाहर की ही घटना है, वहाँ उस पर नवी नाम के किसी व्यक्ति ने हमला किया, काफ़ी उनको मारा पीटा, उसके बाद चाकू से मारने की भी कोशिश की और धमकी दी जान से मारने की कि अगर तुमने रिपोर्ट की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसी घटना इसकी रिपोर्ट हमने थाने में भी दर्ज कराई है, उसी दिन सेम डे हमने करा दी थी। अब तक शायद हम उम्मीद करते हैं SP साहब से कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो, और इसके लिए मैं SP साहब और कलेक्टर सर से भी मिलने वाले हैं। और एक बड़ी निंदनीय घटना है ये, क्योंकि अगर वर्दी वाले ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आम जनता का क्या होगा, और जो मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, जेल की सुरक्षा कर रहे हैं, वही सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम जेल की सुरक्षा के बारे में सोच ही सकते हैं क्या हो सकता है। क्यों नहीं, अब वो सुरक्षित नहीं है तो मैं कैसे सुरक्षित हूँ, मैं भी यही रहती हूँ। हाँ, मुझे भी ये संज्ञान में आया है, मुझे आई हुई यहाँ भी 8 महीने, उससे पहले 2-3 प्रहरियों पर 5-6 घटनाएं हो चुकी हैं, मतलब एक प्रहरी को 2-2 बार उन पर हमले हो चुके हैं। यहाँ से छूटने वाले बंदियों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती कि वो यहाँ पर उनके ऊपर हमले कर देते हैं, तो ये बड़ी निंदनीय घटना है। और मैं आशा करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ SP साहब से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाके इसको गिरफ्तार किया जाए। हाँ, ये तो बात सही है कि हमले नहीं होने चाहिए, कम से कम वर्दी वालों पे, तो वर्दी वाले खुद हमारी सुरक्षा के लिए हैं और उन पे हमले होना तो सही बात नहीं है। 4 तारीख की घटना थी? बिल्कुल 4 तारीख घटना, 6 तारीख है। अभी FIR ही कराई, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, पर मुझे आशा है कि कार्रवाई ज़रूर होगी इस पर। जी बिल्कुल कर लेना चाहिए था, बट मुझे लगता है शायद हो सकता है वो फरार हो या फिर उनको ढूंढ रहे हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस पर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं SP सर और कलेक्टर साहब से यही निवेदन करना चाहूँगी कि वर्दी वाले हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, जेल की सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, अगर उनके प्रहरियों पर हमले होते हैं तो अच्छी बात नहीं है, और मैं उनसे आशा करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि दोषी पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये हमारे 3-4 बार जेल पर आ चुका है, काफ़ी टाइम से जेल काट चुका है, ये पुराना अपराधी है, जेल छूटा हुआ अपराधी है ये। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।